नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में स्कूटी के सेल्फ स्टार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। नॉर्मली क्या होता है, सेफ्टी पर्पस के लिए स्कूटी में ब्रेक दबा के ही जो सेल्फ होता है वो काम करता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो सेल्फ होता है वो ब्रेक दबा के भी काम नहीं करता है और कभी कभी बिना ब्रेक दबाए भी वो सेल्फ काम करने लग जाता है। तो उसी से रिलेटेड इशू के बारे में आज बात करेंगे, कैसे आप उसको आइडेंटिफाई करें और कैसे उसको सॉर्ट आउट करें। तो मैंने इसका हेडलाइट कवर रिमूव कर लिया क्योंकि सारे जो कनेक्शन हैं इसी के अंदर हैं और आप इसमें जो वायर देख रहे हैं ये होती है इसकी स्विच की वायर, जो स्टार्टर स्विच होता है उसी से कनेक्टेड रहती है और ये दोनों ब्रेक्स होते हैं उनके साथ कनेक्टेड रहती है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अंदर एक जो पिन जैसी दिख रही है आपको, जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं जो पिन होती है ये बाहर आ जाती है। इसका जो सिस्टम होता है सेम वही होता है जो घरों में फ्रिज होते हैं और जो कार के डोर होते हैं उनसे जो जलने वाली केबिन लाइट होती है, सेम उसी फंक्शन पे ये वाला स्विच भी काम करता है। एक तरफ इसमें आसान है, दूसरी तरफ इसमें जो हैंड ब्रेक वाला है कॉम्बी ब्रेक वाला सिस्टम है वहाँ उसके अंदर इंस्टॉल होगा तो उधर थोड़ा टफ होता है काम करना, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो एक तरफ का जो ब्रेक है इसको निकालना पड़ेगा, जो ब्रेक लीवर है, जो फ्रंट वाला ब्रेक है उसको आप आसानी से चेंज कर सकते हैं, सही कर सकते हैं, लेकिन जो रियर वाले ब्रेक है क्योंकि उधर कॉम्बी ब्रेक सिस्टम होता है तो उधर थोड़ा दिक्कत रहती है, लेकिन वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो एक 8 नंबर का नट होता है ये हटा लेना और उसके बाद जो इसमें स्क्रू है इसको भी निकाल लेना, ये पेचकस की हेल्प से आसानी से निकल, ये निकालने के बाद आप जो स्विच है उसको आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। स्विच है ये काम कैसे करता है, तो देखिए एक सीधा से एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जो रेफ्रिजरेटर का डोर होता है उसकी लाइट, कार की जो केबिन लाइट होती है उसका जो डोर स्विच होता है सेम का सिस्टम यही होता है। जब ब्रेक को हम अप्लाई करते हैं जो पिन है वो बाहर को आ जाती है और जो उसका कनेक्शन है वो पूरा हो जाता है, तो इसी वजह से सेल्फ जो होता है वो पड़ता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे इसमें देख रहे होंगे कि सेल्फ काम नहीं कर रहा, इवन मैंने ब्रेक पूरा अप्लाई किया है तब भी, तो दोनों ही कंडीशन में क्या होता है, ये पिन से ही रिलेटेड जो स्विच है इसी से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। तो एक हो सकता है कभी जो स्विच है स्टक ओपन हो जाए, स्टक क्लोज हो जाए, तो दोनों ही कंडीशन में ये काम नहीं करेगा। साथ ही अगर इसमें कोई फॉल्ट हो या फिर इसकी वायर डैमेज हो तो भी ये काम नहीं करेगा। तो इसको आप चेंज भी कर सकते हैं और इसको आप बिल्कुल सही भी कर सकते हैं, दोनों ही चीजें आपके ऊपर है। निकालना इसको बहुत आसान है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये वायर यहाँ पर से आई है, दोनों तरफ से कनेक्टेड रहती है, मेन ही आती है स्टार्टर स्विच के उससे, तो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहती है, पीछे वाले ब्रेक से भी आगे वाले ब्रेक से भी। तो इसको यहाँ पर आपको इस तरफ से निकाल लेना है, आइडेंटिफाई करना इनको बहुत ज्यादा आसान है। तो दोनों मैंने निकाल लिया, अब आपको क्या करना है, इसको बाहर की तरफ पुश करेंगे तभी निकलेगा, अंदर की तरफ नहीं निकलेगा, बाहर की तरफ ही निकलेगा क्योंकि इसमें स्लॉट ही ऐसे बने होते हैं। और जहां पर ये लास्ट एंड होता है वायर का, वहां पर आपको एक वायर को अंदर पहले बाहर निकाल लेना और फिर दूसरे वाली, क्योंकि वो जो जगह होती है इतना नहीं कि दोनों एक साथ आ जाए, आ सकते हैं बट वो डैमेज होने का चांस रहता है अगर आप नया इंस्टॉल करें, पुराना भी निकालें, तो ये इस तरीके से निकल जाएगा। मैं आपको इसका सिस्टम बताता हूं किस तरीके से काम करता है। तो आप यहां पर जो पिन देख रहे होंगे यही जो पिन का सारा काम होता है, अंदर एक स्प्रिंग होती है जिसकी वजह से सारा स्विच काम करता है। तो कभी कभी क्या होता है ना, ये इसके अंदर अगर जैसे कि ब्रेक्स में ग्रीस का यूज किया जाता है तो अगर ग्रीस की वजह से ये स्टक क्लोज हो जाए या स्टक ओपन हो जाए, अगर इनके अंदर ग्रीस चली जाए या इसकी वायर कट हो जाए, तो ऐसा कुछ भी हो तो ये काम इनकी वजह से नहीं हो सकता, ये काम नहीं करेंगे तो फिर आपको सेल्फ अप्लाई करने में दिक्कत होगी, जिस तरीके का जिस तरफ का भी ये खराब हो जाएगा वहां पर। तो बस यही चीज आपको करनी होती है, आप चाहें तो यहां पर देख रहे होंगे आप दो स्लॉट्स बने हुए हैं, इनको आप स्क्रू ड्राइवर से आप दबाएंगे ना तो ये निकल भी जाएगा, इसको आप खोल कर रिमूव करके भी सही कर सकते हैं, और अगर कभी वायर कटी हो तो वो भी ठीक कर सकते हैं, और अगर इसके अंदर बिना खोले करना है तो आप पेट्रोल या फिर किसी WD-40 का यूज़ करके भी इसको क्लीन कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है आप चेंज करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं। और जब आपको इसको नया इंस्टॉल करना हो तो नया कैसे इंस्टॉल करेंगे, देखिए जब आपको इसको दोबारा इंस्टॉल करें तो पहले एक वायर अंदर डालिए फिर दूसरी डालिए, दोनों को एक साथ नहीं डालना है, अदरवाइज वो वायर है ना जो उसका फ्रंट जो कनेक्टर्स है वो डैमेज होने के यहाँ पर चांसेस रहते हैं। फिर अंदर की तरफ इसको पुल कर लेना है, ये अंदर की तरफ आ जाएगा सारा, और फिर वहाँ पर जहाँ पर ये ब्रेक्स के वहाँ पर एक इसमें छोटे से स्लॉट्स बने होते हैं तो वहाँ पर आप समझ जाएंगे इसके स्लॉट देख के, उसी स्लॉट में एक्यूरेटली फिट हो जाएंगे, ज़्यादा इसमें ऐसा कुछ करना नहीं होता, बस वही चीज़। और रही बात इसको चेंज करने की या रिपेयर करने की, तो आपके ऊपर बहुत सस्ते होते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन जो ऑरिजिनल चीज़ है जेन्युइन है वो उसको आप रिपेयर कर सकते हैं, दोबारा यूज़ कर सकते हैं, इनमें ऐसा कुछ नहीं होता ख़राब होने वाला। तो बस वही है जो मैंने आपको बोला कि ग्रीस कलेक्ट हो जाए अंदर या फिर स्टक क्लोज या स्टक ओपन हो जाए, उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो स्क्रू है उसको लगा लेना, उसके बाद जो एक 8 mm का इसमें नट होता है उसको लगा के इसको टाइट कर लेना। ये तो हो गया फ्रंट ब्रेक का, अब इसके बाद बात करेंगे जो रियर वाला ब्रेक होता है उसको आप कैसे कर सकें। तो यहाँ पर जो 8 mm का स्क्रू है, उसके बाद जो 8 mm का इसमें जो नट है उसको भी मैं पूरा टाइट कर लेता हूँ, ये भी टाइट हो गया, इसके बाद चेक कर लेना काम कर रहा नहीं करना है सेल्फ स्टार्ट करके। और उसके बाद जो इसके जो कनेक्टर्स हैं, यहाँ पर आपको कनेक्टर लगाना बहुत आसान है, देखिए जो ग्रीन वाली वायर है वो ग्रीन वाले स्लॉट में चले कनेक्टर के साथ चली जाएगी, और जो ब्लैक वाली है वो ब्लैक वाले के साथ। इतना हो गया, अब बात करते हैं जो पीछे वाला है उसके बारे में।
तो इसको ओपन करने से पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहले तो इसमें 3 स्क्रू आपको निकाल लेना है, और ये जो होता है ना, ये इसमें एक ये हैंड ब्रेक वाला सीन भी इसमें होता है, आप जो ब्रेक लॉक वाला भी होता है, तो इसके अंदर एक स्प्रिंग लगी होती है। बस आपको ध्यान यही रखना होता है कि वो स्प्रिंग ना गिरे, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उस स्प्रिंग का ध्यान रखते हुए आपको इस कवर को खोलना है। इसका ये कवर खुल जाएगा 3 स्क्रू हटाने के बाद, थोड़ा टाइटली खुलेगा क्योंकि जो अंदर स्प्रिंग होता है और एक लॉक होता है ना जो ब्रेक सिस्टम के साथ अटैच कर रहे थे, जो कॉम्बी ब्रेक सिस्टम होता है उसके साथ, उसको होल्ड किए रहता है, तो आसानी से निकलेगा नहीं। थोड़ा बहुत आप इसको पेचकस के हेल्प से खींचेंगे, कहीं पेचकस फंसाएंगे इसमें, तो इस तरीके से निकल जाएगा आसानी से। बस वही ध्यान रखना है, इसको खोलते वक्त जरा सावधानी से खुलेगा, नहीं तो अगर वो स्क्रू एक बार गिर गया ना, फिर स्क्रू के बिना वो जो लॉक होता है हैंड ब्रेक लॉक, वो थोड़ा अच्छे से काम नहीं करेगा। इतना हो गया, इसको बाहर की तरफ खींच लेना है, ये फिर बाहर की तरफ आ जाएगा। थोड़ा इसमें मैं एडिट नहीं कर रहा वीडियो, यहाँ पर जितनी हो सके उतने आपके साथ थोड़ा और दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि एडिटिंग जो है वह जैसा वैसे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक हो गया, तो यहाँ तक ये निकल गया, इसको बाहर की तरफ खींच लेना है, थोड़ा बहुत इसमें झटके देंगे ये निकल जाएगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला वो अंदर अटके हुए होता है जो ब्रेक होते हैं उसके साथ। ठीक है, यहाँ ये निकल जाएगा, और स्प्रिंग का आपको खास ध्यान रखना है कि स्प्रिंग डैमेज ना हो। तो देखिए स्प्रिंग यहाँ पर ये है, गिर गई थी बट ये मैंने पकड़ ली, गिरी जाती है यूजली, ऐसा कुछ नहीं। तो अंदर आप देख रहे होंगे किस तरीके से काम करता है, थोड़ा अगले ब्रेक के मुकाबले थोड़ा अलग सा, क्योंकि अगले ब्रेक में डायरेक्ट लीवर के साथ अटैच होता है, तो यहाँ पर ये कॉम्बी ब्रेक सिस्टम के साथ अटैच हुआ है। बस इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो ब्रेक होंगे ना उनको ढीला करना पड़ेगा, तभी ये अपनी लास्ट एंड तक आ पाएंगे जो यहाँ पर जो वायर है, और तभी वो फिर खुल पाएगा, स्विच चेंज होगा। स्विच इसका चेंज करना बहुत आसान है, दोनों यहाँ पर देखे कनेक्टर्स हैं, इनको निकाल लेने, दूसरी साइड के एक तरफ को गए होंगे, जैसे आगे के ब्रेक के वैसे पीछे के ब्रेक का भी ये है। और इसको बाहर निकालने के लिए आपको थोड़ा बहुत क्या करना पड़ेगा ना, इसमें जो जैसे कॉम्बी ब्रेक होता है ना, आगे के ब्रेक और पीछे के ब्रेक जहाँ पर टाइट किए रहते हैं वहाँ पर उनको पूरा ढीला कर देना, जितने उसके लास्ट एंड तक आ जाए। फिर उसके बाद जो स्विच है, स्विच को बाहर की तरफ प्रेस करेंगे तो स्विच भी इसमें बाहर निकल जाएगा। ये बहुत आसान है, अब ये इतना तो आप समझ ही गएंगे आई होप। तो और वापसी में इसको लगाने भी सेम वही है, जो उसके स्लॉट्स थे जहाँ से जो वायर निकाली थी वो वायर वहाँ पर फिट कर देनी। अब इसके बाद क्या करना होता है ना, जैसे दोबारा से हम इसको फिट कर ही रहे हैं तो इसमें एक आवाज़ सी आने लग जाती है ब्रेक्स के साथ, तो यहीं से आती है, वायर जब खींचती है तो अजीब सी आवाज़ करती है वो, तो उसमें यहाँ पर ग्रीसिंग कर लेनी है, और ग्रीस इसमें कर लेनी, वैसे भी यहाँ डस्ट जाने का चांस नहीं रहता क्योंकि पूरा कवर्ड रहता है, तो इसमें ग्रीसिंग कर लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा बहुत इसमें मिनिमल ग्रीसिंग चलती है जो उस आवाज़ को बंद कर सके, जो इसकी आवाज़ आ रही है वायर की, और जहाँ से स्प्रिंग अटैच होती है यहाँ पर वहाँ पर भी आपको थोड़ा बहुत इसमें ग्रीसिंग कर लेनी है। और जो इसका लगाने का तरीका ना, देखिए यहाँ पर आप ये देख रहे होंगे लॉक टाइप का बना है, तो जो जो कॉम्बी ब्रेक सिस्टम वाला है उसके साथ ये लॉक बैठेगा, और जो स्प्रिंग बैठाने का तरीका यह है कि उसमें स्प्रिंग इतने टाइम से लगी रहती है ना कहीं पर, तो उसके निशान बने रह जाते, तो आपको वो चीज़ देखनी है, या फिर निकालते वक्त उसका वीडियो बना लीजिए, लेकिन वहाँ पर एक निशान बना होता है उसी में आपको स्प्रिंग को बैठाना है, और एक तरफ से जो कॉम्बी ब्रेक सिस्टम वाला है और जो ब्रेक के साथ होगा वो CBS सिस्टम के साथ वो लॉक बैठ जाएगा। बस इसी तरीके थोड़ा बहुत उसको आगे पीछे करते करते वो उसके अंदर बैठ जाएगा, और उसके बाद इसका जो स्क्रू है वो लगा लेना, और एक बार इंश्योर कर लेना जो उसका जो लॉक है वो जो कॉम्बी ब्रेक सिस्टम है उसके साथ बैठा है या नहीं बैठा है। ठीक है, ये अपना अपना तरीका आप कैसे लगाते हैं, बस चीज़ वही कि आपको स्प्रिंग उसकी जगह पर लगानी है और उसका लॉक उसके CBS जो कॉम्बी ब्रेक सिस्टम है उसके साथ बैठा लेना। तो उसके बाद ये भी टाइट कर लें, ये टाइट हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बोला था ना, अपना अपना करने का तरीका है, मैंने यहाँ पर थोड़ा अलग तरीके से कराई, मैं आपको दिखाऊंगा। जो आगे के इसके लॉक हैं, या तो वायर को पीछे की तरफ खींचेंगे वो लॉक उसमें बैठ जाएंगे, या फिर किसी स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से उसमें हल्के से मारना है, हल्के से हीट करना है, वो भी उसमें बैठ जाएगा। ये बैठ गया, दोनों जो लॉक हो गए इसके, और ये भी पूरा टाइट हो गया। अब चेक कर लेना है CBS जो हैंड ब्रेक है ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर इसको भी चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए ये भी काम कर, और एक चीज़ और होती है ना, अगर ये कभी हैंड ब्रेक अगर आपका हार्डली काम करे तो इसके अंदर भी ग्रीसिंग कर लेनी चाहिए, जो इसकी स्प्रिंग होती है वहाँ पर, तो उसके लिए भी आपको ये ओपन करना ही पड़ेगा। तो ये वीडियो से ये भी चीज़ आपके काम में आ जाएगी। तो इस वीडियो में यही था कि स्कूटी का सेल्फ स्टार्ट अगर काम ना करे, जो अगर ब्रेक दबा के काम ना करे या फिर ब्रेक दबाए बिना भी काम करे, तो दोनों ही कंडीशन में आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। बहुत आसान सा है, जो सारा काम है वो स्विच का ही है, आप चाहें तो चेंज करें, आप चाहें तो रिपेयर करें, ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है, लेकिन काम ये सारा स्विच का ही। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।